अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास, बबुनिया रोड, सिवान। अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 811वीं उर्स के मौके पर सिवान के सिद्धवल पंचायत स्थित टिकरी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि लगभग 40 वर्षों से ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स के मौके पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के द्वारा आपसी सहमति एवं सहयोग से कौमी एकता का मिसाल पेश करते हुए यहां पर फातिया पढ़ी जाती है और चादर पोशी की जाती है। प्रसाद स्वरूप लोगों के बीच खाने के लिए सिरनी का वितरण किया जाता है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समुदाय के लोगों के बीच कौमी एकता बनी रहे, जिसके लिए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दुआ मांगी गई। वहीं दूर दराज से आए मशहूर कलाकारों के द्वारा कव्वाली के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर मन मोह लिया गया। देखिए ये प्रोग्राम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हम लोग सालों साल से करते आ रहे हैं।
इसकी मुद्दत लगभग 40 साल हो गया, 40-45 साल हो गया, उस वक्त से हम लोग करते आ रहे हैं। और हर साल यहाँ हिंदू मुसलमान जो भी वर्ग के लोग हैं यहाँ, ये सब लोग इस कार्यक्रम को मिलजुल कर करते हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम है? आज जो कार्यक्रम है, जैसे पहले यहाँ फातिहा हुआ, न्याज फातिहा हुआ, चादर पोसी हुई बेग का फातिहा हुआ, उसके बाद चौक सजाया गया, और उसके बाद अब प्रोग्राम उधर है कव्वाली का। क्या प्रोग्राम है? कव्वाली, इसमें कव्वाल लोग आए हुए हैं। पहले मिलाद हुआ है, मिलाद शरीफ हुआ है, तकबीर हुआ है, और उसके बाद अब वो आधा पौन घंटा का प्रोग्राम था, उसको ख़त्म करके और कव्वाली का प्रोग्राम। कहाँ के कलाकार यहाँ? यहाँ एक कलाकार हैं मिर्ज़ापुर के, और एक गाजीपुर के हैं, जो क्या नाम है उनका, इश्याक भारती उनका नाम है, और एक मुजफ्फरपुर के हैं, वो और लेडीज हैं, उनका नाम रौनक परवीन है। सभी धर्मों के लोग यहाँ दिखा। हाँ, यहाँ जो भी वर्ग हैं, यहाँ हमारे मुखिया जी हैं, इनसे आप परिचय लीजिए। यहाँ हर साल होता है, हर साल ये शरीक होते हैं, यहाँ ग्रामीण जितने हैं सब लोग शरीक होते हैं। हम नाम तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम नईमुल हक सूफी न्याजी। ये हर साल यहाँ पे, हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से होता है, और बहुत अच्छा लगता है कि हर साल ये लोग काफ़ी धूमधाम से और सभी लोगों को मिला के और अच्छा से प्रोग्राम करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी मुझे होती है कि ये लोग मुझे इन्वाइट करते हैं, अच्छा लगता है। और यही हम दुआ करेंगे कि आपसी भाईचारा सभी लोगों के अंदर बना रहे, और सभी लोग पंचायत के साथ साथ पूरे देश का इसी तरह से एकता का माहौल बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। में जैसे हिंदू मुस्लिम को तोड़ने में लगते हैं, क्या लगता है ये गांव एक तरह से मिसाल पेश कर रहा है हिंदू धर्म? बिल्कुल करेगा, उस तरह का राजनीति जो भी करते होंगे तो यहाँ तो वैसे कुछ होता नहीं है ज़्यादातर। और उम्मीद करेंगे कि आगे भी जो भी प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि रहे, इस तरह की घटना या इस तरह की बातें कम से कम यहाँ से तो कम से कम शुरुआत हो कि ना हो, इस तरह की। सभी धर्मों के लोग मिल के रहते हैं? बिल्कुल, सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, आप देख सकते हैं। नाम बता दीजिए। संदेश नाम है, संदेश शाह। आप जी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रत्येक वर्ष में उर्स मनाया जाता है, और ये सूफी संतों का ये कार्यक्रम होता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो शक्ति भी और शांति भी संतों के गीत में है, धरती के वासियों का मन प्रीत में है। और हमारे ख्वाजा साहब जो सूफी संत हैं, और सूफी संत का प्रीत का संदेश मिला है हमारे टिकरी ग्राम में। 40 वर्ष से हमको देखते आए हैं, यहाँ इतना शांति पाए हैं, और हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि टिकरी में कोई ऐसा समय नहीं है जहाँ शांति ही शांति रहा है। ये भारत देश में ये टिकरी से एक संदेश लेने लायक है। यहाँ हिंदू मुसलमान इतना मिलकर रहते हैं कि सदियों से ऐसा सुनने को मिला है, कभी इसमें भेदभाव नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा भारत देश अगर सीख लेना है तो टिकरी ग्राम से वो सीख ले सकते हैं कि यहाँ प्रीत ही प्रीत रहता है, हिंदू मुस्लिम में प्रीत बना रहता है। यही है कि जो उनके दरगाह पे जाते हैं वो खिजा में मोहब्बत और शांति फैलाते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर भी उस तरह? यहाँ भी जब यह मनाया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो हिंदू मुसलमान सभी सम्मिलित होते हैं इसमें, सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं और आपस में बड़ी सुंदर भाईचारगी बना कर रहते हैं। हमारा टिकरी ग्राम पर एक ठो गर्व है कि हमारे टिकरी वासियों को अभी तक ऐसा कोई भेदभाव नहीं मिला है। अगर ऐसा बेगर भेदभाव का भारतवर्ष में सभी गांव हो तो कोई यहाँ शंका समाधान करने का चीज नहीं है, शांति से ये देश चलेगा। नाम हमारा नाम विश्वकर्मा कुशवाहा, और ऐसे संन्यास नाम विश्वकर्मा गोस्वामी। रजब को होता है जो अजमेर शरीफ में 6 रजब का जो प्रोग्राम होता है, उसी डेट में यहाँ पे भी 6 रजब का प्रोग्राम होता है। यहाँ कव्वाली होता है, लंगड़ा होता है, जलसा होता है, सारा प्रोग्राम यहाँ पे होता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारा आदमी मिल के प्रोग्राम करते हैं। और क्या कुछ खास आज आयोजन किया गया? आज के जो कव्वाल हैं हमारे यूपी के गाजीपुर के हैं, उनका नाम है इश्याक भारती। जो मुजफ्फरपुर के हैं उनका नाम है रौनक परवीन।
ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बहराम। कब तक ये कव्वाल चलेगा? कब ये कव्वाली अभी 10 मिनट में स्टार्ट होगी और 4 बजे तक चलती है कव्वाली। कार्यक्रम को लेकर के सिवानवासियों क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम से हम सिवानवासियों के यही आदेश देंगे कि अमन शांति बनाए रखे, इंसानियत रखे। थैंक यू।